कर दिया एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हो आप सब हां जी एटीट्यूड बॉय आ गए भाई आ गए हाँ सिद्धार्थ पांडे हम्म जी हम्म हम्म सौरभ मौर्य आदाब हाँ जी अस्सलाम वालेकुम हम्म मैम दस दिन बचे हैं हां जी दस दिन तो बचे हैं पढ़ाई तो आप ही करनी है है ना शिवा भारती आकाश मोहम्मद सईद मीनू विपिन यादव तरंग इश्तिया अंसारी हिमांशु प्रियांशी, प्रजापति हांजी खुशी पांडे राहुल कौर, कैसे हैं आप सब सबको गुड इवनिंग सबका वेलकम है भाई जिन बच्चों के नाम ले लिए हैं ठीक है उनका वेलकम है और जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ तो गुस्सा मत होना ठीक है क्योंकि क्लास को शुरू करना है बीच बीच में सबके नाम लेते रहेंगे ठीक है हाँ जी उमंग चौधरी प्रशांत कुमार ठीक है चलो शुरू कर दे आज की क्लास मैं बढ़िया हूँ मीनू आप कैसे हो हाँ जी पूजा यादव क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो मैंने स्पेशल होंगी मैंने देखा नहीं कमेंट आपका क्या कमेंट है और ऊपर करो और करो करो करो, करो। इससे नहीं नीचे न, नीचे न, नीचे न, नीचे स्पेशल क्लास कब होगी हाय राम इतनी बार स्पेशल क्लास तो ले ली है और कितनी स्पेशल क्लास चाहिए हाँ हाँ जी साहिल अंसारी चलो बढ़िया है है ना संदीप यादव शुरू कर देते हैं चलो क्लास को बढ़ने से पहले क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ क्योंकि नया सेशन है और जो ट्वेल्थ में है बच्चे उनके लिए भी स्पेशल क्लास है उनका भी रिवीजन होता रहेगा तो यहाँ पर यहाँ पर एग्जैक्टली exactly हर दिन स्पेशल है यहाँ पर उनका रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ भाई लाइक करना नहीं भूलना है हमेशा कहती हूँ ना गब्बर का डायलॉग ठीक है हाँ चलो भाई शुरू कर देते हैं आज की क्लास को आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर हमने पहली क्लास में क्या बेसिक बायोलॉजी के बारे में जाना था हम्म हमने बात करी थी पुष्पी पादप के बारे में मानव जनन के बारे में बहुत सारी बात करी थी आज वहीं से हम शुरू करने वाले हैं आज अपना पहला चैप्टर चैप्टर का नाम है क्या है भाई जीवों में जनन ठीक है जीवों में जनन की बात करेंगे हम ठीक है तो जल्दी से भाई जल्दी से जानी तिवार बोलो क्या कहना चाहते हो अच्छा नाम नहीं लूंगी तो क्या अरे यार नाम ले लिया ना जल्दी दिखाओ आग मचा दो कोहराम मचा दो पता चलना चाहिए भाई नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जल्दी 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 हम्म जल्दी।, जल्दी जल्दी से भाई पता चलना चाहिए ना हाय किसी के दिल में आग नहीं लगी हुई चैप्टर शुरू करने के लिए हम्म, हाँ? तरंग, हाँ जी क्रेजी बॉय एक्साइटेड हो शिवा तो भाई मैंने बोला जल्दी सब दिखाओ जल्दी आग वाला इमोजी होता है वो दिखाओ ताकि पता चलना चाहिए है ना कौन सी मूवी में था वो ऐसे करके आग जलाते हैं ऐसे करके आग की इमोजी। चलो भाई शुरू कर देते हैं और हम क्या बात करते हैं जीवों में जनन की बात करते हैं हमारे चैप्टर का नाम है जीवों में जनन जीवों में जनन ठीक है जीवों में जनन अगर मैं जीवों की बात करती हूं तो ये जीव कौन है ये जीव कौन है जीवित है भाई ठीक है ये क्या है जीवित है जिनको हम क्या बोलते हैं लिविंग बोलते हैं क्या थिके? बोला हमने इनको लिविंग बोला वही जब मैं जनन की बात कर रही हूं ठीक है जनन बोलूंगी तो जनन क्या होता है जनन होता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अब ऑलरेडी बहुत बार क्लास में बता चुकी हूं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये बना हुआ होता है प्रोडक्शन से जिसका मतलब होता है एक ही चीज को कई बार बनाना एक ही चीज को बार बार बनाना ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई कि जो जीवित जीव है इनमें क्या होना इनको कई बार बनाना बार बार बनाना तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि भाई जनन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हम्म अपने जैसी ही संतति को बार बार बनाना ठीक है अपनी ही जाति में ये नहीं जाति से बाहर कि भाई शेर ने क्या कर दिया बिल्ली के बच्चे पैदा कर दिए हैं? ऐसा नहीं होता है अपनी ही जाति में कि अगर शेर है तो शेर से शेर के बच्चे ही होंगे बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे होंगे कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे होंगे ठीक है हाँ चलो क्या हुआ नूतन जोशी हां जी संदीप यादव ये पहला ही लेक्चर है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवो में जनन की ठीक है ओके चलो भाई अब यहां पे जब मैं जनन की बात कर रही हूं तो ये जनन कैसा होता है ये जनन आपका दो प्रकार का होता है एक क्या होता है अलैंगिक जो लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता चुकी थी ठीक है और दूसरा क्या होता है लैंगिक होता है ठीक है दो तरीके के यहाँ पे जनन आ जाते हैं लैंगिक और अलैंगिक आ, आ जाते हैं ठीक है तो लैंगिक की अगर मैं बात करती हूँ तो अलैंगिक की अगर मैं बात करती हूँ इसको हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं हु? क्या बोला हमने इसको रिप्रोडक्शन भाई देखो ऐसा है बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं ठीक है बिल्कुल बेसिक तरीके से तो यहां पर बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं नूतन जोशी हाँ क्या हो गया बेटा क्या हो गया हां हाँ जी रोजी अंसारी विनीत पटेल ठीक है और लैंगिक को हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जो मैं लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी थोड़ा थोड़ा सा ही बताऊंगी क्योंकि सब कुछ आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में है ना यहाँ पे एक ही जनक काफी होता है ठीक है एक जनक काफी है यहाँ पे क्या है दो जनकों की जरूरत होती है ठीक है जिसमें एक नर आता है और एक मादा आती है ठीक अब ये जो नर है इससे नर युग्मक मिलता है और मादा से क्या मिलता है मादा युग्मक मिलता है अब नर युग्मक हमारा शुक्राणु है मादा युग्मक अंडाणु है इन दोनों का जब संलयन होगा जब निषेचन होगा तो क्या पैदा होगी उनकी इन दोनों के संलयन से संतति पैदा होती है ठीक है यानी कि इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग नहीं ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं ठीक है उनके बच्चे पैदा होंगे और यहाँ पे क्या होता है एक ही जनक ये क्या करता है अपनी कोशिका को क्या कर लेता है डिवाइड कर लेता है यहाँ पर अपने या फिर कोशिका को बोलो या शरीर को बोलो क्या कर लेता है विभाजित कर लेता है यानी कि डिवाइड कर लेता है ठीक है चाहे वो दो हिस्से में करे तीन हिस्से में करे चार हिस्से में करे कितने भी हिस्से में करे लेकिन वो अपने शरीर को डिवाइड कर लेता है और ऐसे कहते हैं कि भाई इनको अमृत प्राप्त हो जाता है कि ये मरते नहीं है क्यों नहीं मरते कि भाई अगर मैं प्लानिया की बात करती हूँ है ना या पैरामीशियम की बात करती हूँ अगर तो वो क्या करेगा अपने आप को डिवाइड कर लेगा पैरामीशियम ठीक है तो अगर वो एक है तो एक से दो बन जाएंगे तो इसका मतलब एक से दो बन रहे तो वो मरा नहीं है ना वो तो एक से दो में डिवाइड हो गया मरा थोड़ी है अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान इंसानों में अगर वंश आगे बढ़ता है तो अगर दादाजी हैं तो दादाजी क्या होंगे दादा दादी हैं उनके 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 माँ बाप हैं उनके माँ बाप हैं उनके माँ बाप हैं तो हमारे में क्या होता है मनुष्य में या जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में कि मर जाते हैं है ना शांत हो जाते हैं लेकिन इनमें नहीं होता है ज्यादातर में ठीक है हम्म हाँ इसीलिए मैंने बिलारिया नहीं बोला इसलिए नहीं बोला मैंने बिलारिया ठीक है हाँ चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब चैप्टर के ओवरव्यू पे आ जाओ ठीक है चैप्टर चैप्टर के के ओवरव्यू ओवरव्यू पे पे आ जाओ के पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमको पढ़नी है दो चीजें क्या एक तो जीवन अवधि पढ़ेंगे यहां पर हम ठीक जीवन अवधि जिसको हम जीवन काल भी बोलते हैं जीवन काल भी बोलते हैं इसको जीवन अवधि या जीवन काल बोलते हैं है ना और या फिर जो है हम इसको क्या बोलते, है? लाइफ स्पैंग, स्पैंग बोलते हैं लाइफ लाइफ भी बोलते बोलते हैं हैं क्या बताओ लाइफ हाँ स्पैन ठीक है तो ये एक चीज तो ये पढ़ेंगे हम नंबर वन पे जीवन अवधि दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे हाँ दूसरे नंबर पे आप क्या पढ़ोगे बताओ जरा दूसरे नंबर पे हम जनन पढ़ेंगे ठीक है जनन जनन हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी अभी मैंने बताया दो प्रकार का होता है जो हम देखेंगे ठीक है एक लैंगिक जनन के बारे में हम बात करेंगे लैंगिक जनन ठीक है अच्छे से डिटेल में बात करेंगे दूसरा अलैंगिक जनन ठीक है ये दोनों चीजें क्लियर है आपको नहीं भाई क्यों फेल हो जाओगे ऐसे कैसे बोलो बोलो बेटा अक्षत ये चीजें क्लियर चैप्टर के ओवरव्यू में मेन चीज है जो हमको देखनी है है ना देखनी है से मतलब ये नहीं कि जाके देख लो अच्छा हमने देख लिया यानी कि हमको पढ़ना है ठीक है ओके करेक्ट बात क्या पढ़ा भाई जब नहीं पढ़ोगे तो कैसे लगेगा कि पढ़ा हुआ है कैसे लगेगा ये बताओ हम्म भाई मैं तो एग्जाम देकर आ गई हूं ठीक है ना डायने तिवारी एग्जाम देने की तैयारी अब आप, आप लोगों की है ठीक है हम्म भाई देखो मुझे नहीं पता कौन कहा है कैसे है क्यों नहीं है और क्यों हो, क्यों है मुझे नहीं पता मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं हूं तो मतलब मैं हूं सिंपल सी चीज है मैं अपने पे फोकस रखती हूं। और आप लोगों की भी ये एज है कि आपको अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए भाई आप आप और आप आपको आपके अलावा किसी दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए समझ रहे हो क्योंकि जो वैल्यू आपकी है वो किसी और की नहीं है करेक्ट इतनी बात तो अपने से मतलब रखो भाई दूसरों से नहीं बिल्कुल भी चलो अब हम बात करते हैं आगे जनन की ठीक है तो मैं जनन को क्या बोलूंगी जनन क्या होता है बताओ बोलो जनन को क्या बोलोगे अब जनन क्या होता है बताओ बताओ जनन क्या होता है बताओ मेरे बच्चों कोई बात नहीं बेटा शशि लेट हो गए तो अपने समान संतति उत्पन्न करना अगर मैं एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन पूछूंगी तो आप जनन को क्या बोलोगे कि मैम जनन को अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं इसको पता हम क्या बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हो अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि ठीक है अपने समान उत, क्या संतति उत्पन्न करने की विधि ठीक है या फिर विधि के अलावा आप इसको क्षमता भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्षमता ये क्या होगा ये आपका क्या कहलाएगा ये आपका जनन कहलाएगा इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई अब देखो यहां पे समझाती हूँ मैंने कहा ये एक लड़का है ठीक है ठीक है ये एक लड़का है ठीक इसके साथ साथ यहां पर अब एक लड़की भी है ठीक ये लो ये आ गई लड़की ठीक है ना ये लड़की आ गई ठीक यहां पे क्या हुआ हमने बोला कि वो नर है और ये मादा है साफ पता चल रहा है ये मत कहना कि मैम हमको नहीं पता चल रहा है नर कहते हैं मेल को है ना और मादा कहते हैं फीमेल को लो इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं है, मैम साइन क्या होता है तो जो मेल होता है उसको ऐसे दिखाते हैं और फीमेल को ऐसे दिखाते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी इतनी बात सब बच्चों को क्लियर सब बच्चों को क्लियर अब भाई इन दोनों की क्या हुई शादी हुई ठीक है अब इनसे क्या होगा इनसे निषेचन होगा इनसे जो निषेचन हुआ तो क्या होगा संतति पैदा होगी ठीक है कैसी संतति पैदा हुई हुँ? इनका ये लो भाई छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ गया ये ठीक है ये क्या है इनकी संतति हो गई ठीक है जिसको हम भी कहते हैं ठीक तो ये क्या है ये जनन है कि भाई अपने जैसे ही अपने जैसे ही संतति को आगे बढ़ाना या हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर वंश को आगे बढ़ाना वंश को आगे बढ़ाना ठीक है अपनी ही जाति में ठीक साथ साथ आप यहां पे टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हो कि अपनी ही जाति में अपनी ही जाति में करेक्ट इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई बताओ बेटा बेटा कहीं कहीं ये चैप्टर अभी भी है और कहीं कहीं नहीं भी है तो इसलिए पढ़ लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना ओके कोई बात नहीं मॉन्स्टर लेट हो गए तो कोई बात नहीं बेटा इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई समझ में आ गई बहुत बढ़िया रवि सिंह बहुत बढ़िया तो देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे आप आप बोलोगे वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है अब ये क्या होती है ये दो प्रकार की होती है जिसके बारे में हम चल के अभी आगे जानेंगे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भाई एक लैंगिक और एक अलैंगिक प्रकार होता है इसका, ठीक है आ आ आ जाओ आ जाओ जाओ भाई मुस्कान, मेरे मेरे बच्चा, बच्चा, क्लास में ठीक है? चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? हम सब दिखाओ फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी इसके बाद हम शुरू करते हैं जीवन अवधि या फिर जीवन काल ये देखो ये छोटा सा बच्चा है है ना ये इसके माँ बाप है हुँ? तो हम क्या बात करने वाले हैं अब अब हम बात करने वाले हैं जीवन अवधि ठीक है जिसको हम लाइफ स्पैन भी बोलते हैं तो जीवन अवधि के बारे में अगर मैं पूछूंगी तो आप मुझे क्या जवाब दोगे कि जीवन अवधि क्या होता है हुँ? बोलो बेटा बेटा, बेटा रिवीजन हो रहा है पढ़ लो हम्म किस चीज की पीडीएफ नहीं मिली बेटा बायो की तो ऑलरेडी पीडीएफ मौजूद है बताओ बेटा तो इसको बोलोगे किसी भी जीव में क्या बोलोगे किसी भी जीव में जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होती है जीवन अवधि क्या होती है कोई भी जीव है है ना कोई भी जीव है इसके जन्म से लेकर जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु ठीक है क्या कहलाती है जीवन अवधि कहलाती है किसी की भी इतनी बात क्लियर हाँ बताओ बेटा इतनी बात क्लियर ये जितना भी काल है इसके जो जीव है ये ये पैदा हुआ पूरा ये क्या हुआ पैदा हुआ बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा कॉलेज जाने लगा है ना कॉलेज जाने के बाद इसने नौकरी करी नौकरी के बाद उसकी शादी हुई शादी बच्चे हुए पर एक टाइम पे कहा पहुंच गया ये बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो गया तो फिर प्राकृतिक मृत्यु बोला है मैंने याद रखना ठीक है नेचुरल कि जो एक इंसान अपने क्या बोलते हैं जीवन को पूरा करके जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल डेथ ठीक है हा प्राकृतिक मृत्यु जो होती है हम्म तो इसको हम बोलते हैं जीवन अवधि या जीवन काल बोल दो या फिर लाइफ स्पैन बोल दो सारे के सारे एक ही शब्द हैं ठीक है राइट हम्म तो देखो इसका जीवन काल ना मैं एक ऐसे समझाती हूं एक में रुकना है ना एक में रुकना जरा अब भी आई मैं जाना नहीं है कहीं ठीक है जाना नहीं है कहीं भी हाँ जी हम्म हम्म आ गई मैं आ गई वापस आ गई वापस आ गई वापस आ, आ गई तो ये क्या कहलाता है जीवन अवधि कहलाता है ठीक है तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु है तो इसको मैं कैसे समझाऊंगी चलो यहां पे समझा देती हूँ ठीक है यहाँ पे समझा देती हूँ कि मैंने बोला एक औरत है एक आदमी है ठीक है ठीक है ये नर है ये मादा है इनसे क्या हुआ इनसे एक बच्चा हुआ ठीक है संतति पैदा हुई अब ये संतति में मान के चलती हूँ कि ये 2000 में पैदा हुई ठीक है 2000 में पैदा हुई थी ये संतति इसकी ठीक है तो 2000 में जब ये पैदा हुई थी यानी कि हम बोलेंगे कि क्या हुआ है इसका जन्म हुआ है यहां पर ठीक अब 2000 से कहां पहुंची है हुँ? क्यों 2005 की अगर मैं बात करती हूं अगर मैं 2000 से 2005 की बात करती हूँ यानी कि कब ये क्या हो जाएगा पांच साल का हो जाएगा ठीक ये क्या हो जाएगा पांच साल का हो जाएगा ये कहा पहुंच गया ये अपनी वृद्धि की एज में पहुंच गया यहां क्या कर रहा है ये वृद्धि कर रहा है यहां क्या होगी इसकी यौवन अवस्था यौवन यौवन अवस्था ठीक है यहाँ पे यौवन अवस्था पे आ जाएगा ये यौवन अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं प्यूबर्टी ये अपनी प्यूबर्टी की स्टेज पे आ गया ठीक है ठीक है अब ये प्यूबर्टी के स्टेज पे आ गया अब क्या ये 2000 रुको 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 ये वृद्धि करी इसने 2005 तक यहां तक करी 2005 तक ठीक अब यहां वृद्धि से यौवनावस्था पे आ गया है तो यहां मान के चलो कि कितने टाइम में यौवनावस्था पे कहां पर पहुंचेगा हम्म कम से कम मान के चलो ये पहुंचेगा आपका 2014, 2014 से कब तक मान के चलते हैं हम्म दो हजार उन्नीस तक मानते हैं ये हमारी इसकी क्या रही प्यूबर्टी वाली रही कोई बात नहीं लेट हो गई तो कोई बात नहीं ठीक है हैप्पी बर्थडे मौर्य जी ठीक है ना इसके बाद ये यौवनावस्था में आ गया यौवन अवस्था के बाद क्या आ गया भाई इसमें जनन यानी कि जनन के लिए क्या हो जाएगा जनन वाली फेज में आ जाएगा यानी कि रिप्रोडक्शन वाली फेज में आ जाएगा उसके बाद ठीक है रिप्रोडक्शन वाली वाली फेज फेज में में आ आ गया रिप्रोडक्शन कब जाएगा ये इसके भी चार साल बाद कम कम से ठीक है चार साल बाद यानी कि 2023 की बात अगर मैं करूं तो तो इसके बाद ये रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में आ गया फिर अगर बात करती हूं कि भाई इसके बाद 10 साल के बाद कम से कम 10 साल यानी कि टू जीरो थ्री थ्री की अगर मैं बात करती हूं तो ये अपना जॉब वाला हो जाएगा जॉब वगैरह पे जाने लग जाएगा ठीक है और अगर उसके भी आगे की बात करती हूं यहां पे मैं 43 कर देती हूं तो ये वृद्ध अवस्था में आ जाएगा किसमें आ गया है वृद्ध अवस्था में और उसके बाद हो सकता है कहीं जाकर इसकी क्या हो जाए मृत्यु हो जाए ठीक है ये पूरा क्या है इसका ये पूरा इस बच्चे का यहां से लेके यहां तक ये क्या है ये इसकी जीवन अवधि है समझ में आया ये की जीवन अवधि है कितने बच्चों को समझ में आई बताओ जीवन अवधि कितने बच्चों को समझ में आई हा? तो हम जीवन अवधि कह सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम जीवन काल कहते हैं ठीक प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है मतलब सबकी अपनी उम्र अलग अलग होती है कुछ जीवन आ, कुछ का जीवन काल कुछ दिनों का और कुछ का कई हजार वर्षों तक भी वो जीवित रह सकते हैं जैसे कि तितली का जीवन काल एक से दो सप्ताह होता है और जो सिकोया है उसका जीवन काल कितना है तीन से चार हजार वर्ष समझ में आ रहा है सोचो सबका कितना अंतर है कितना हम्म वही अगर मैं किसकी बात करती हूँ वही अगर मैं किसकी बात करती हूँ भाई मैं बात करती और तोता अगर बात करती हूँ ये रहा आपका कौआ और तोता ठीक है तो कौवे और तोते की अगर बात करती हूं तो बताओ इनका जीवन काल कितना होता है ओके बेटा ओके बताओ बेटा तो भाई इनके आकार में कोई अंतर नहीं है ठीक है इनके आकार में अंतर नहीं होता लेकिन अंतर है इनके जीवन काल में यहां लिख देती हूँ आकार में अंतर नहीं है ठीक है लेकिन जीवन काल में अंतर होता है जीवन काल में अंतर ठीक कितना अंतर होता है इनके जीवन काल में बताओ कौवा कितने साल जीता है और तोता कितने साल जीता है तो भाई तोता 140 साल जीता है 140 साल जीता है लगभग तोता सोच के देखो फोर्टी ईयर्स ठीक है और कौआ कितने साल जीता है खाली पंद्रह साल जीता है कितना पंद्रह साल सोच के देखो सिर्फ और सिर्फ पंद्रह साल जीता है है ना चलो उसके बाद अगर मैं मच्छर की बात करती हूं हमारे पास अगर मच्छर आता है तो मच्छर में भी नर और मादा होते हैं है ना तो इसमें क्या होता है मच्छर में जो नर है वो दस दिन जीता है सिर्फ बेचारा सिर्फ दस दिन जीता है सोचो नर ठीक है और मादा कितने दिन जीती है मादा फोर्टी टू से फिफ्टी सिक्स सोचो इनके जीवन काल में कितना ज्यादा अंतर है है ना कितना ज्यादा अंतर है 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 ना? हम्म और बताओ इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? अब देखो सिंपल सी चीज़ है यार कि जीवन काल कितना भी बड़ा क्यों ना हो ठीक है कितना ही लंबा क्यों ना हो लेकिन जो मृत्यु है जो मृत्यु है डेथ है वो क्या है वो सत्य है भाई कि भाई निश्चित है होनी ही होनी है मृत्यु जो है होनी ही होनी है अब प्रत्येक जीव जब अपने जीवन काल को पूरा कर लेता है ठीक है जब भी प्रत्येक जीव अपने जीवन काल को पूरा कर लेता है और प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है वो जीवन काल कहलाता है ठीक है या जीवन अवधि कहलाता है ठीक है अब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको छोड़कर कोई भी जीव क्या है अमर नहीं होता हम्म मैं यहां लिख देखती हूँ कि जो एक कोशिकीय जीव है वो, वो क्या है वो क्या कहते हैं ठीक है सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही क्या होते हैं अमर हो जाते हैं ठीक है और प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं सॉरी क्योंकि जीव को क्या है वो जन्म दे देते हैं ये मरते नहीं है ये जो है मरते नहीं है ठीक है अगर मैंने कहा कि ये कोई जीव है ये क्या करेगा ये अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा तो जब इन्हें दो पार्ट में खुद को डिवाइड कर लिया तो भाई ये मरेगा कैसे है ना मरेगा कैसे ठीक है एक में रुको रुकना बच्चों एक बार कहा है हम्म तो जैसे कि एग्जांपल हम किसका दे सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया ये अमीबा का ठीक है अमीबा का एग्जाम्पल दिया अरे फोन उठाओ यार ठीक है इतनी बात समझ में आई ऐसे ही चलो कुछ और जीवों के बारे में बात करते हैं ठीक है कुछ और जीव बताओ हम्म बोलो बेटा अगर मैं तितली की बात करती हूं तो तितली जो है कितने साल जीती है हाँ, अहिर गोलू यादव हाँ बेटा मरता नहीं है कि अगर मैं कहूं ये है ये फिर से दो में डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा ये फिर से दो में डिवाइड हो जाएगा यार वर्मा जी का चार्जर ला देना यार ठीक है उसके बाद अगर ये दोनों है ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा ये भी दो में और ये भी दो में तो इस तरीके से हर एक जो है दो दो में क्या है डिवाइड हो जाएगा मुझे लगता है ना कि आप लोगों को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं आप लोगों को ना समझ में ही नहीं आ रहा है अरे बिल्कुल आलोक कुमार प्रजापति बिल्कुल बेटा हाँ शशि क्या हुआ बेटा हाँ मीनू बैक्टीरिया हम्म ठीक है तो अगर मैं तितली की बात करती हूँ चलो मैं बात करती हूँ तितली की तो बताओ तितली जो है उसका जीवन काल कितना है हुँ? दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा दिख नहीं रहा ना ये चलो तितली का जीवन काल कितना है तितली का जीवन काल कितना है बताओ हाँ एक से दो सप्ताह ठीक है एक से दो सप्ताह ठीक है के बाद अगर मैं बिल्ली की बात करती हूँ तो बिल्ली कितना नहीं नहीं बेटा मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ बिल्ली बिल्ली का जीवन काल कितना है लगा दो चार्जर तो उसके बैग में चार्जर होगा ना तो क्या फर्क पड़ता है और क्या बताओ बेटा बिल्ली की कितनी है थर्टी फाइव से फोर्टी ठीक थर्टी फाइव से फोर्टी साल उसके बाद किसकी बात करते हैं फिर मुझे बताओ मगरमच्छ कितना जीता है मगरमच्छ मगरमच्छ बताओ मगरमच्छ कितने साल जीता है मगरमच्छ कितने साल जीता है बताओ मगरमच्छ कितने साल जीता है अच्छा शशि हैप्पी बर्थडे बेटा हैप्पी बर्थडे अभी देखो टेलीग्राम का लिंक शेयर करवा देती हूँ साहिल अंसारी मगरमच कितने साल जीता है बताओ साठ साल क्या ही नीट क्लियर करोगे साठ साल जीता है मगरमच हां तुम लगाओ चार दिन लगाओ ठीक है साठ साल जीता है वेरी गुड नंदनी कुमारी फिर कछुआ कितने साल जीता है बताओ कछुआ कछुआ कितने साल जिएगा बोलो कितने साल जिएगा कछुआ शशि हम्म भाई कछुआ जीता है आपका 200 साल कितने साल जिएगा 200 साल जिएगा लगा दो यार ठीक है कुत्ता कितने साल जिएगा उस तरफ उस तरफ कुत्ता कितने साल जीता है कुत्ता कितने साल जीता है बताओ जल्दी कुत्ता कितने साल जीता है हाय राम तीस हजार इश्तिया हाँ कुत्ता कितने साल जीता है बीस से तीस साल जीता है अच्छा ये अरुण भैया आपके टीचर नहीं है बायो के ठीक है वरना कुत्ते को ये सिर्फ छह साल जी था जी आते है ना छह साल जीता बेचारा तीस साल की उम्र में छह साल बताओ यार तो तो हाँ जी रानी पांडे वेरी गुड पलक तिवारी वेरी गुड नहीं शशि तीन सौ साल तो तीन सौ साल कहाँ जिएगा भाई हाँ और उसके बाद बताओ मुझे घोड़ा कितने साल जीता है घोड़ा घोड़ा कितने साल जीता है बताओ कितने साल जिएगा घोड़ा हाँ बताओ घोड़ा कितने साल अमृत पी के नहीं आता भाई हमको कछुआ नहीं बनना है कि भाई कछुए की तरह इतनी लंबी लाइफ नहीं चाहिए अपने को वो एकदम बुढा हो जाता है कछुआ एकदम बुढा कि वो किसी लायक नहीं रहता भाई ये जीता है आपका साठ साल सिक्सटी इयर्स ठीक है और हाथी कितने साल जीता है बताओ हाथी कितने साल जीता है जबरदस्ती तुम बच्चों को फेल करवा दो हाथी कितने साल जीता है हाथी जीता है बेटा सिक्सटी फाइव ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना ये आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें अब आप बताओगे मेरे को ये आपके लिए होमवर्क है होमवर्क है होमवर्क में आप मुझे बताओगे मक्खी की ठीक है मक्खी मक्खी कितने साल जीती है एक तो ये बताओगे ठीक है सांप कितने साल जीता है सांप चूहा ये आपका होमवर्क है ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे ठीक है क्लियर या आप लोग मुझे होमवर्क में बताओगे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आप लोगों से ये ध्यान रखना ये नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं कभी बोलो मैडम जी नहीं पता हमको हम भूल गए थे ठीक है नहीं भाई क्लास खत्म नहीं हुई है अभी अभी कैसे थैंक यू आ गया यहाँ पे हम पेज बढ़ाएंगे बिल्कुल अभी क्लास खत्म नहीं हुई है थैंक यू आ गया है गलती से बीच में पेज कम पड़ जाते हैं मैं जब भी पढ़ाने लग जाती हूँ है ना ऐसा ही होता है पेज कम पड़ जाते हैं मेरे पास चलो अब हम बात किसकी करते हैं हम बात करते हैं जनन की ठीक जनन को हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन जनन को बोला आपने रिप्रोडक्शन है ना तो क्या बोलेंगे जनन जीवो की वो क्षमता है जिससे वो अपने जैसे ही समान जीव को क्या करते हैं पैदा करते हैं इसको आप लिख सकते हैं वो क्षमता है जिससे वो अपने जैसे ही अपने जैसे ही जीव को पैदा करते हैं ठीक है यही पढ़ा था हम लोगों ने यही पढ़ा था बेटा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे जीव के बारे में आप लिखोगे भाई पहले जन्म हुआ किसी का ठीक जन्म हुआ जन्म के बाद क्या हुआ हाँ जन्म के बाद क्या होगा उसकी वृद्धि होगी ठीक है वृद्धि के बाद क्या होगा बताओ वृद्धि के बाद परिपक्वता आएगी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ जाएगी परिपक्वता के बाद क्या आएगा यहाँ पर परिपक्वता के बाद क्या आएगा वो जनन वाली स्टेज में आ जाएगा यानी कि वो रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में आ जाएगा और उसके बाद उसके बाद बाद क्या होगा प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी ठीक है क्या है प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी यही होता है यही होता है ना बेटा हाँ जनन एक क्या होता है स्पीशीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता कहते हैं इसको आप जनन को और क्या बोल सकते हो जनन को और बोल सकते हैं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी कि एक के बाद एक एक के के बाद बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है अब बताओ इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है ये बताओ हाँ बताओ बेटा कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है यहां तक कि जल्दी जल्दी थमसअप दिखाओ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वेरी गुड वेरी गुड जल्दी अप दिखाओ मुझे कितने बच्चों को समझ में आया है क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड चंदन कुमार मीनू नितेश प्रिंसी विपिन हम्म वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड हाँ पलक तिवारी चलो बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब हम क्या बात करते हैं कौशिकी त्रिपाठी क्या हुआ भाई कौशल्या देवी हम्म क्या हो गया हम्म चलो अब बात करते हैं भाई जनन के प्रकार की ठीक है बहुत देर बाद आया है जनन के प्रकार ठीक है यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके का जनन होता है ठीक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि कितने तरीके का जनन होता है तो यहां पर मैं ऑलरेडी बहुत देर से आप लोगों को बता रही हूं कि दो तरीके का जनन होता है, है ना एक क्या जाएगा आपका अलैंगिक आ जाएगा अलैंगिक जनन ठीक और दूसरा क्या जाएगा लैंगिक जनन लैंगिक जनन अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को इन दोनों के बीच में अंतर मालूम है इसको मैंने बताया ए कहते हैं बार बार बता रही हूं कि आप लोग भूल ना जाओ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको ठीक है और इसे क्या बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइट इतनी बात समझ में आई है बेटा वेरी गुड आस्था अनीशा, विकास कुमार वेरी गुड बेटा वाजीहा मोहन कुमार मीनू सोल चंदन चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रिंसी तिवारी वेरी गुड बेटा सौरभ अखिलेश यादव हम्म ठीक है बेटा मोहम्मद सईद मोहम्मद अल तमाश सुलोचना वर्मा चलो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया हाँ ठीक है अब यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है मैंने बताया था खाली एक ही क्या काफी है एक जनक यहाँ पे एक ही जनक काफी है और यहां पर क्या है यहां पर दो जनक ठीक है और दो जनकों में कौन आ रहे हैं दो जनकों में आ रहे हैं आपके एक तो नर आ गया ठीक एक मादा आ गई अब जो इन दोनों का निशेचन होगा उससे क्या पैदा होगा उससे पैदा होगी संतति यानी कि जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा ठीक है इतनी बात सब बच्चों को क्लियर बोलो बेटा इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हाँ बेटा वाजी हा हम्म क्लियर चलो बहुत बढ़िया फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं अगली क्लास में हम लोग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ठीक है पूरा डिटेल में ओके ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ घनश्याम हाँ क्या कह रहे बेटा घनश्याम ज्ञानी तिवारिया बस करो भाई सोवेद हाँ बेटा चलो ठीक है है ना पीडीएफ देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का वहां से ज्वाइन कर लो आप पी आपको सारे वही मिलेंगे है ना हाँ बेटा नोट बनाओ अंसारी वेरी गुड बेटा चलो बाय बाय ख्याल रखो अपना टेक केयर है ना एग्जाम आ रहे हैं और बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है एग्जाम आ रहे हैं ख्याल रखो अपना ठीक है चलो बाय